आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय रुद्र गीत या चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा पर चर्चा कर रहे हैं। कल के वृत्तांत में हमने देखा किस प्रकार से शिवजी ने भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह की का स्तवन किया, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, हु आर द चीफ कंट्रोलर्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल सेंसेस, इंटरनल सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। और उसके बाद में शिवजी ने कहा किस प्रकार से कि आप ही हैं जो स्वर्ग और आध्यात्मिक जगत, स्वर्ग और अपवर्ग के द्वार खोलते हैं। आप पूरी तरह से शुद्ध सत्व में स्थित हैं। आप ही हिरण्य वीर्य हैं, सारे सृष्टि के आदि हैं, सभी ब्रह्मांडों के मूल सृजन करता है और चतुर्विध होत्र अर्थात चतुर्होत्र यज्ञों से जिनका पूजन यजन किया जाना चाहिए वो भी आप ही हैं। तो यहां से ये श्रृंखला हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम फिर से देखेंगे किस प्रकार शिवजी बहुत ही टेक्निकली तात्विक रूप से भगवान का स्तवन करते हैं। और कल के सेशन से हम देखेंगे भगवान शिव भगवान विष्णु के शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सो यस्टरडे सेशन एंड टुडे सेशन इज अ फॉर्मल अप्रोच टेकन बाय लॉर्ड शिवा इन ऑर्डर टू ग्लोरिफाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन वो अपने प्रेम को बहुत ज्यादा समय तक ढक नहीं सके। हम यही चीज देखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में भी। कुंती महारानी जब प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में कुंती महारानी प्रेयर्स में भगवान का स्तवन करती हैं, तो पहले 3-4 श्लोक ये बहुत ही मतलब ट्रीटिंग कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन इसके बाद में तुरंत कुंती देवी अपने अंदरूनी आकर्षण रस संबंध को रोक करके नहीं रख सकते। इसीलिए हम देखते हैं द फर्स्ट थिंग देन शी एड्रेसेस इज देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वो तुरंत भगवान के साकार रूप पर आती हैं और अपने संबंध पर आती है। सो सिमिलरली कल के 4-5 श्लोकों में और आज के थोड़े श्लोकों में हम देखेंगे शिवजी टेक्निकली ग्लोरिफाइंग लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो भगवान की वैयक्तिक सुंदरता का वर्णन करेंगे। ये हम कल के भाग से देखेंगे। तो आइए इस रुद्र गीत को फिर से चर्चा में एक बार लाते हैं। आज मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्लोक क्रमांक 38 अध्याय 24 स्कंद 4 श्रीमद् भागवत। नम ऊर्ज इशेत्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। माय लॉर्ड, यू आर द प्रोवाइडर ऑफ द पितृलोकास एज वेल एज द डेमिगॉड्स। You are the predominating deity of the moon and the master of all three Vedas. I offer my respectful obeisances unto you because you are the original source of satisfaction for all living entities. So, हम देखते हैं कि शिव जी कहते हैं नम ऊर्ज। ऊर्ज अर्थात पितृलोक में जो सारे पितरों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं उन भगवान के स्वरूप का नाम है ऊर्ज। इशे, इशे अर्थात जो देवताओं की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं उनका नाम है या वो स्वरूप है ईश। तो ऊर्ज और ईश, ऊर्ज भगवान का वो विस्तारित रूप जो पितृलोक में जिनका सभी स्तवन करते हैं और जिनका यजन करते हैं, ईश स्वर्गलोक में जिनका स्तवन किया जाता है, यजन किया जाता है। और त्रय्यापतये तीनों वेदों के अधिपति त्रय्यापतये, और यज्ञ रेतसे, रेत अर्थात एक तरीके से जीव देने वाले शुक्र। यज्ञ रेत, जब एक जीव से दूसरा जीव आता है तो वो शुक्राणु या रेत कणों के कारण आता है। सो जीव का जो आधार है वो रेत कण है। उसी प्रकार से यज्ञ रेत, यज्ञ का जो आधार है वो आप है। शिव जी कहते हैं यज्ञ रेत से जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में शरीर प्राप्त करने या जीव को लाने का आधार रेत कण है, उसी प्रकार यज्ञ का जो आधार है वो हे भगवान आप हैं। तृप्तिदायच जीवानाम, इफ एनीवन इज सैटिस्फाइड इन दिस एंटायर क्रिएशन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विष्णु। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं है या जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। So, हम देखते हैं साधारणतः जो लोग भोग विलासिता की इच्छा से अभिभूत होते हैं उनका पूरा दारोमदार भगवान किसके ऊपर, भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर छोड़कर। माया आप देख लीजिए, जैसे क्या कहते हैं भारत की सेना के सेना प्रमुख, तो सेना प्रमुख हर बटालियन में जाकर के हर सिपाही को ऑर्डर देते हैं क्या? नहीं नहीं, वो केवल कमांड हेड्स को ऑर्डर देते हैं। कमांड हेड्स अपने नीचे को ऑर्डर देते हैं, वो उनको अपने नीचे अपने नीचे अपने नीचे। तो उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में जो भोग करने की इच्छा से जीव आए हैं उनका आधिपत्य उन्होंने माया को देके रखा है। माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी परिसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसके कारण रचना में आ रहे हैं? माया देवी के कारण। माया ही अर्थात डेफिनेटली माया ही एव जगदंड शतानि, अनेकों, शत यानी सौ,
तो अनेकों सौ सौ हजार हजार ब्रह्मांडों का निर्माण कौन कर रही है? माया कर रही है। सूते, सूत धागा, सो धागा दिखता नहीं है लेकिन होता है, वैसे माया दिखती नहीं है लेकिन है, इसलिए तो वो माया है। जो दिखता है वो नहीं है इसलिए वो माया है। सो माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते, ये जगदंड या ये भौतिक जगत कैसे बने हैं? त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान। सो त्रैगुण्य सत्व रजस तमस, तद विषय इंद्रिय, इंद्रिय विषय वस्तु, तन्मात्र सूक्ष्म, ये सब तद विषय, और इन सब से निकलने के लिए, गुणों से और विषय वस्तुओं से निकलने के लिए वेद वितायमान, वेद है। तो ये सारे ब्रह्मांड कैसे आ रहे हैं? सत्व अवलंबी पर सत्वम, विशुद्ध सत्वम। सो दैट विशुद्ध सत्व ऑन विच ऑल दिस सत्व इत्यादि इज अवलंबन। तो इस भौतिक जगत के सत्व रजस और तमस जिस विशुद्ध सत्व पर आधारित है, जिनके कारण माया इन सभी ब्रह्मांडों की रचना कर रही है, ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। सो तृप्तिदायच जीवाना, तृप्ति कौन प्रदान कर सकता है? केवल भगवान प्रदान कर सकते हैं। सो जहां जो व्यक्ति भगवान के सापेक्ष हस्तक्षेप को अपने जीवन में नहीं चाहता, one who does not want Krishna's direct interference in his or her life, so Krishna says, okay, my dear Jiva, you do not want my interference, okay, be happy with Maya. Ab Maya lijiye. So triptidayach jivanam, ultimately satisfaction will come only by serving Krishna. So essence is that agar koi even swadharma निष्ठा से पालन कर रहा है, तो जब तक भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन इत्यादि में रुचि नहीं है, तब तक जीवन में तृप्ति नहीं है। हम देखते हैं रोडपति से लेके करोड़पति तक हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। जिसके पास जो नहीं है उसे वो चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसे पैसे चाहिए, जिसके पास संबंध नहीं है उसके पास उसे संबंध चाहिए, जिसके पास मन की शांति नहीं है उसे मन की शांति चाहिए। सो हर किसी की दुखती रग को माया ने पकड़ के रखा है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। समर्थ रामदास बहुत सुंदर रूप से मनाचे श्लोक में कहते हैं, वो कहते हैं कि जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुचि शोधुनि पाहे। अरे इस भौतिक जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई नहीं है। विचारे मना तुचि शोधुनि पाहे, हर कोई अपनी गिरनी में पिस रहा है कि नहीं? वो केवल टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स में होता है, सुजुकी सामुराई द नो प्रॉब्लम बाइक। 1990s की आपको याद है सुजुकी सामुराई? एक जापानीज व्यक्ति आता था, ओ लिफ्ट मांगता है, ओ सुजुकी सामुराई, नो टेंशन नो टेंशन नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती, जिंदगी तो हमें उतार चढ़ाव उछाल इन सब से लेकर के जाती है। तो तृप्ति इन सब में से भी तृप्ति कौन दे सकता है? तृप्ति केवल भगवान दे सकते हैं। नमः सर्व रस आत्मने, अल्टीमेटली द एसेंस ऑफ ऑल टेस्ट, द ओरिजिन ऑफ ऑल टेस्ट इज कृष्ण। तृप्ति कहां है? जब रस आस्वादन है उसी में तृप्ति है कि नहीं? हाल ही में जब अप्रैल महीने में मुझे कोरोना हुआ था, तो जिसको भी कोरोना हुआ होगा उनका ये ऑब्जर्वेशन भी रहेगा,
कि एक समय आ जाता है जहां पर स्मेल और टेस्ट चली जाती है. दिस इज ऑल्सो वन वेरी ब्यूटिफुल वे इन विच वी कैन रिलेट टू वॉट वी स्पोक यस्टरडे. कल हमने पांच इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों की बात की थी. यस, तो सूक्ष्म इंद्रिय जो अंदर से कार्य कर रही है. सो मेरे पास जब मुझे कोरोना हुआ था कोई टेस्ट नहीं था, कोई स्मेल नहीं था. सो जिह्वा तो है लेकिन रसन काम करना बंद कर दिया. नासिका तो है लेकिन घ्राण काम करना बंद कर दिया. ऐसा नहीं कि मेरी जीभ टूट करके बाहर आ गई थी या नाक कट गई थी शूर्पणखा की तरह. ऐसा नहीं था, नाक भी थी जीभ भी थी लेकिन रसन नहीं है और घ्राण नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो वी सी हाउ कर्मा प्लेज वेर इन एक्सटर्नल सेंसेस आर देयर बट द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क दैट. हर किसी एक डिवाइस के साथ में उसका रनिंग सॉफ्टवेयर आता है. यूजुअली आजकल सब प्लग इन प्ले या प्लग एंड प्ले होता है. तो वैसे ये सब डिवाइसेस हैं. पांच इंद्रियां जो हैं ये डिवाइसेस हैं और जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं वो रनिंग सॉफ्टवेयर हैं और जो तन्मात्र हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श है ये यूजर इंटरफेस है. इससे हम बाह्य जगत से वार्तालाप कर रहे हैं, बाह्य जगत से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं इस तरीके से. सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस. सो सर्व रस आत्मने, जब तक रस नहीं है तब तक तृप्ति नहीं है. और भौतिक रस किसी भी अवस्था में हो, किसी भी प्रकार का हो, वो उसका एक अंत है. आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधाः. सो दोज हु आर इंटेलिजेंट दे नेवर एंडेवर टू टेक पार्ट इन मटीरियल प्लेजर्स बिकॉज दे नो दैट इट हैज अ बिगिनिंग, इट हैज अ एंड. उसका हर का एक अंत है. आदि अंतवंत, इट विल नेवर लास्ट रियली लॉन्ग. बट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो पांच प्रमुख ये है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति र श्रद्धाय सेवन, इससे जो तृप्ति है, इससे जो आनंद आएगा वो चिरंतन काल तक बढ़ता जाएगा. इट हैज नो एंड, उसका कोई समाप्ति नहीं. श्लोक क्रमांक 39. सर्वसत्वात्म देहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च. माय डियर लॉर्ड, यू आर द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म विच कंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ लिविंग एंटिटीज. यू आर द मेंटेनर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड एज सच यू मेंटेन द माइंड सेंसेस बॉडी एंड एयर ऑफ लाइफ विद इन देम. आई देयरफॉर offer my respectful obeisances to you. शिवजी कहते हैं सर्वसत्व आत्म देहाय. सर्वसत्व, सत्व का एक अर्थ होता है एग्जिस्टेंस या अस्तित्व. आत्मदेहाय अर्थात एक तो उनके शरीर से आ रहा है और उनके शरीर में वास भी कर रहा है. तो सर्वसत्व आत्मदेहाय, ओ माई डियर लॉर्ड, आपके शरीर से ही सारा अस्तित्व, चाहे माया शक्ति हो, चाहे जीव शक्ति हो या चित शक्ति हो, ये सब आप ही के अस्तित्व से आ रहे हैं. तो सर्वसत्व आत्मदेहाय विशेषाय, तो ये जो कुछ भी भगवान आपके शरीर से आ रहा है और आपके शरीर में ही अस्तित्व में है, वो कैसा है? विशेष है. विशेष मीन्स वैरायटी युक्त है, सब एक जैसा नहीं है. सो द मोनिस्ट फिलोसॉफी, मायावाद दर्शन क्या कहता है? सर्वम खलु इद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है. तो भगवान के अंदर कोई विशेषता नहीं है, वो केवल एक शक्ति पुंज है, ये मायावाद कहता है.
हम जब श्रील प्रभुपाद जी की प्रणति गाते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो निर्विशेष और शून्यवाद, निर्विशेषवाद शून्यवाद, निर्विशेषवाद मीन्स मायावाद मोनिज्म, शून्यवाद इज बुद्धिज्म, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने यही कहा था, अगर आपको वेद जीव हत्या करने के लिए सिखा रहे हैं वेदों को फेंक दो। सो वीसी निर्विशेषवाद और शून्यवाद, इन दोनों से पाश्चात्य जगत का जिन्होंने उद्धार किया वो श्रील प्रभुपाद जी। सो विशेषाय, वन हु हैज वेरिएटेडनेस इन हिम, आप देखिए कितनी वैरायटी है, भगवान के अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनेक अनेक कोटि ब्रह्मांड है, और उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कितने जीव होंगे, और इन सारे जीवात्माओं के अधिपति भगवान है, और ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड मिल करके एक पाद विभूति, वन फोर्थ ऑफ कृष्णास क्रिएशन, त्रिपाद विभूति, थ्री फोर्थ ऑफ कृष्णास क्रिएशन इज वैकुंठास एंड गोलोक वृंदावन। तो भगवान क्या है, कैसे है, कितने जीवात्माओं के स्वामी है, इसका कोई न आदि है न अंत है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर कोई विशेषता नहीं है, भगवान केवल फैक्ट्री है क्या, कि जिसमें से ओ हमारी फैक्ट्री में से केवल व्हाइट मारुति एस्टीम आती है या व्हाइट मारुति 800, मतलब मारुति के फैक्ट्री के अंदर भी विशेषताएं हैं, वो मारुति 800 भी निकालेगी, एस्टीम भी निकालेगी, जिन भी निकालेगी, फिर वो आज जो नया नेक्सा मॉडल्स आ रहे हैं वो भी निकालेगी, वो सब करेगी, और हर एक मॉडल में भी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, और उनमें भी वेरिएंट्स LXi, VXi, ZXi, यस, और उसमें भी कलर्स, हर एक वेरिएंट में 6 कलर। अरे अगर डल फैक्ट्री इतना वेरिएटेडनेस दे सकती है तो भगवान के अंदर कितना वेरिएटेडनेस होगा। ये सारी फैक्ट्रियां तो मशीन काम कर रही है, आदमी उसको चला रहा है अपना कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाल के, तो वो एक छोटी सी फैक्ट्री जो आदमी के कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन फेड है वो इतना विविधता देती है, तो भगवान की क्या विविधता होगी, है कि नहीं। सो किसी दो व्यक्तियों की आंखों की पुतलियां एक जैसी नहीं होती, किन्हीं दो व्यक्तियों के पूरी तरह फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, दो ज़ेब्रास के सारे स्ट्राइप्स एक जैसे नहीं होते। तो सोचो मतलब क्या विविधता है, किसी दो लोगों का स्वभाव पूरी तरह से एक नहीं होता। सो कितनी विविधता है। सो विशेषाय, इन विशेषता के मध्य में भी स्थवीय से, ओ माय डियर लॉर्ड यू आर द मास्टर ऑफ ऑल दैट इज नॉन मूविंग, स्थावर और जंगम। स्थावर याने जो जीव खड़े के खड़े हैं, पेड़ पौधे ये सब खड़े हैं, लताएं ये सब खड़े हैं, वो हिल नहीं सकते अपने आप से। सो स्थावर, इन सभी स्थावर जीवों के स्वामी स्थवीय से, नमस्त्रैलोक्य पालाय, तीनों लोकों का पालन कौन कर रहे हैं, शिवजी कहते हैं भगवान आप कर रहे हैं। तो शिवजी अगर स्वयं कह रहे हैं भगवान से कि आप त्रैलोक्य पाल हैं, और हम अगर बोले नहीं 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 शिवजी त्रैलोक्य पाल हैं, अरे तो शिवजी बोलते अरे तो मैं खुद ही कह रहा हूं यहां पे भगवान त्रैलोक्य पाल हैं, मुझे क्यों बोल रहे हो। आपसे कोई कहे आप भारत के प्रधानमंत्री हो,
कम से कम इतनी तो अकल है कि आप बोलेंगे नहीं बाबा मैं नहीं, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है कि नहीं। तो वैसे ही अगर कोई शिव जी से कहेगा प्रभु आप ही त्रिलोकपाल, अरे नहीं नहीं भाई भागवतम 4.24.39 पढ़ो, मैं खुद कह रहा हूं भगवान त्रिलोकपाल है। सो नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओज बलाय च। ओज यानी तेज क्षमता और बल यानी शक्ति। क्षमता एक चीज है और शक्ति एक चीज है। शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, क्षमता कम्स फ्रॉम विल पावर। कई बार व्यक्ति के अंदर शारीरिक शक्ति है लेकिन कुछ करने का ओज तेज विल पावर नहीं है। कई बार जब कुछ करने का ओज या तेज या विल पावर होता है तो शारीरिक शक्ति न होते हुए भी व्यक्ति कर देता है, लेकिन नहीं। सो हम देखते हैं तेज और ओज और बल, शिव जी कहते हैं इन तीनों के स्वामी भगवान हैं। इसीलिए एक जीव हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो हम देखते हैं भागवतम में दशम स्कंद में 22वें अध्याय में 35वें श्लोक में वर्णन आता है एतावाद जन्म साफल्यम देहिनां इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। एतावाद जन्म साफल्य, जन्म की सफलता कहाँ है? हाउ इज वन्स लाइफ कंप्लीटली फुलफिल्ड इट्स मिशन। एतावाद जन्म साफल्यम देहिनां इह देहिषु, इह इस भौतिक संसार में, देहेषु देहिनां, देही कौन है? आत्मा। देह कौन है? शरीर। सो देही और देह, सो देही नाम इह देहिषु, वो सब जीव जो इस भौतिक जगत में देह धारण किए हैं उनके लिए सफलता क्या है? जन्म लाभ पर पुंसौ प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, प्राणों से नगद से, अर्थैर धिया इंटेलिजेंस और वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय क्या है? जो अल्टीमेट गुड है। सो वॉट एवर इज अल्टीमेट गुड, टू रियली एंडेवर फॉर दैट अल्टीमेट गुड इज द वे हाउ दोज हु आर रियली नॉलेजेबल दे एक्ट। यस, सो जो सही में चीजों को जानते हैं, प्राण अर्थ धिया और वाचा, इन सभी से श्रेय, श्रेय अर्थात लॉन्ग टर्म गुड, प्रेय शॉर्ट टर्म गुड, यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। भगवद्गीता 2.7 कहते हैं अर्जुन की यह श्रेय लॉन्ग टर्म गुड क्या है? हे कृष्ण कृपया मुझे बताइए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा यहां। तो जब तक जीवन में श्रेय और प्रेय पता नहीं चलता और उसके अनुसार व्यक्ति श्रेय के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को नहीं डालता, तब तक उसकी स्थिति बहुत ही डामाडोल है। जब वो श्रेय का आचरण करने लगता है तब वो देवताओं को, शिवजी को और भगवान को प्रिय हो जाता है। हमने कुछ लोग पहले भी ये देखा था कि तस्यैव हेतो प्रयतेत को विधो तन्न लभ्यते भ्रमताम उपर्यधः तन लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा। तो तस्यैव हेतो प्रयतेत को विधः, को विधः अर्थात इंटेलिजेंट, जो व्यक्ति बुद्धिमान है तस्य एव हेतो प्रयतेत, वो प्रयत्न करता है केवल उस एक हेतु से, केवल उस एक इच्छा से। क्या प्राप्त करने की इच्छा? न लभ्यते भ्रमताम उपर्यधः, ऊपरी स्वर्ग लोकों में, अधः नारकीय लोकों में, भ्रमताम घूम करके भी न लभ्यते, जो नहीं मिलती। क्या है वो चीज? भक्ति।
भगवान विष्णु की आराधना और उनकी सेवा का अवसर। न लभ्यते भ्रमताम उपर्यथा, ये भगवान स्वयं कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मेरा भक्त बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट ईजी टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड डिवोटी ऑफ कृष्णा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इट इज नॉट ईजी। इट इज माय ह्यूज मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड दैट समथिंग लाइक दिस बिकम्स पॉसिबल। तो शिवजी कहते हैं कि नमस्त्रैलोक्य पालाय सह ओजो बलाय च। सो जीवन में जन्म का साफल्य क्या है कि प्राण अर्थ धिया और वाचा इन सब से हमेशा श्रेय का आचरण करें। वॉट एवर इज द अल्टीमेट गुड। श्लोक क्रमांक 40। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरि वर्चसे। माय डियर लॉर्ड, बाय एक्सपेंडिंग योर ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस यू रिवील द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। यू आर द ऑल परवेडिंग स्काई विद इन एंड विदाउट, and you are the ultimate goal of pious activities executed both within this material world and beyond it. I therefore offer my respectful obeisances again and again unto you. My dear Lord, by expanding your transcendental vibrations, you reveal the actual meaning of everything. You are the all-pervading sky within and without, and you are the ultimate goal of pious activities executed both within this world and beyond it. I therefore offer my respectful obeisances again and again. Artha linga, linga yane deha, sharir. To artha lingaya, jinka sharir sampurna artha se bana hua hai. Artha yane, which is really valuable. So, जिनका शरीर पूरी तरह से valuable, the most beautiful and the most valuable body. Also, अर्थलिंग याने आप इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, इसीलिए आप अर्थलिंग हैं। आप वो शरीर हैं जिसको धारण करके ये वेद इस भौतिक जगत में आकर के अपनी वाणी हर जगह पे फैलाते हैं। और वाणी कैसे फैलती है? आकाश में फैलती है कि नहीं? वाणी कैसे फैलती है? वायु के माध्यम से। और वायु कहां विचरण करती है? आकाश में। सो नभ से वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए आप अर्थलिंग के रूप में आते हैं, और वो आकाश जिसके अंदर ये हवा फैल करके आपके ज्ञान, आपका ज्ञान हमें देती है। सो नभ से नमो अंतर बहिर आत्मने, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो अंड अंतरस्थ हे भगवन, आप हरेक ब्रह्म अंड के अंदर हैं। अंड अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ, आप हरेक कण कण में व्याप्त हैं। अंड अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। सो नमः पुण्याय लोकाय, सो पुण्याय लोकाय पायस एक्टिविटीज फॉर क्रिएशन। आप ही हैं जिनके कारण सारे लोक,
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय साधन शक्ति एक आप ही हैं, छायेव यस्य जिनकी छाया के रूप में भुवनानि विभरति दुर्गा इन मटेरियल ब्रह्मांडों का निर्माण करती हैं दुर्गा देवी। क्यों करती हैं भौतिक भुवनों का निर्माण? इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, भगवान के डायरेक्शन में ही कार्य कर रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। तो ये माया मेरी माया है, मेरे अधीन है। सो नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मैहि। अमुष्मैहि मीन्स समवन हुज बियॉन्ड डेथ। वो भगवान जो मृत्यु और जन्म के परे हैं, जिन्हें मृत्यु और जन्म से कोई सरोकार ही नहीं है, अमूष्म है और भूरी वर्चस्व, भूरी यानी बहुत वर्चस्व, ही इज रियली ग्लोरियस। शिवजी कहते हैं इवन आई कांट फैथम द ग्लोरी ऑफ माय डियर लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड अनिरुद्ध और संकर्षण और वासुदेव, मैं खुद भी नहीं समझ सकता भगवान कृष्ण को। भूरी वर्चस्व, आप इतने महान हैं, भूरी बहुत बहुत वर्चस्व महानता, आपकी महानता का कोई अंत ही नहीं है। सो इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी यहां पर भगवद गीता के 13वें अध्याय का 34वां श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम लोकम इमम रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जैसे एक रवि या एक सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा इस पूरे देह को प्रकाशित करती है और परमात्मा पूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पानी है वो सोख लेने की शक्ति सूर्य में या रवि में है, वो करते भी हैं, वो हर जगह से पानी सोख लेते हैं और बाद में टैक्स के रूप में हर जगह पे भेजते भी रहते हैं बादल बना करके, और उसके साथ में वो क्या करते हैं, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि जब तक पानी भाप नहीं बनेगा बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं है तो जीव सृष्टि नहीं है। तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ बिकॉज इट मेंटेन्स प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड इट रिजल्ट्स इन वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, and then making of clouds and rainfall and then water table, या फिर नदियां, इन सबसे वो समुद्र में आता है, ये चक्र घूमता रहता है। सो जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के कोने कोने में जा करके वहां से पानी निकालता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताया गया, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। सो क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति, क्षेत्री देह और देही, देह यानी शरीर, देही अर्थात आत्मा, क्षेत्र शरीर, क्षेत्री आत्मा। तो क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति, उसी प्रकार से ये आत्मा पूर्ण शरीर को चैतन्य दे रही है। तो
तो मैं छोटी आत्मा हूं इसलिए केवल अपने शरीर को चैतन्यमय कर सकता हूं, भगवान विभू है संपूर्ण ब्रह्मांड को चैतन्यमय कर रहे हैं। आई एम इन्फिनिटिसिमल जीवा, आई एम ओनली कॉन्शियस ऑफ माई बॉडी एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड। सिमिलरली कृष्णा इज द सुपर सोल विद इन एवरी लिविंग एंटिटी, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर। कठोपनिषद में भी इसका बहुत सुंदर, इसकी एक कॉरलरी, ऐसा ही एक श्लोक आता है। कठोपनिषद कहता है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षुर्बाह्यदोषैः, एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते शोक दुःखेन बाध्य। तो जैसे सूरज है, कहीं गंदगी होगी, कहीं गटर होगा, किसी की विष्ठा पड़ी होगी, उसमें से भी सूरज पानी निकाल लेगा, मॉइस्चर निकाल लेगा। तो विष्ठा और गटर में से पानी इवेपोरेट करके सूरज मैला होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार भगवान या जीव इस भौतिक जगत में रह करके भी एक्चुअली वो मलिन नहीं होता, एक्चुअली वो मलिन नहीं है। इसीलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय श्रवणादि शुद्धि चेति करयो। तो श्रवण इत्यादि मार्गों से जब चित्त शुद्ध होगा तो वही भागवत का जो जीवन है वो प्रोमिनेंस में बाहर आएगा। तो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते शोक दुखेन बाध्य। इस जीवन में लोग हमने कल देखा था किस प्रकार से शोक के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण, मोह के कारण, बुढ़ापे के कारण और मृत्यु के कारण, इन पांच कारणों से हर कोई शोकित है। हर कोई, देर इज नो इफ्स एंड बट्स, देर इज नो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन, वो तो होना ही है, हर कोई शोकित है। तो इससे जब हम ऊपर मिल जाने का प्रयास करते हैं तो भगवान शिव यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु से ही कि हे भगवान, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके नामों का जप करते रहें और ना आपके नामों का जप करते करते हम आपके पास आ जाएं। श्लोक क्रमांक 41, प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणि नमो अधर्म विपाकाय मृत्युत्वे दुःखदाय च। My dear Lord, you are the viewer of the results of pious activities. You are the inclination, disinclination and the resultant activities. You are the cause of miserable conditions of life caused by irreligion and therefore your death. I offer my respectful obeisances to you. Pravrittaya aur Nivrittaya. So is jagat mein hum dekhte hain do marg hain jeene ke, pravritti aur nivritti. Pravritti yane bhoga marg, nivritti yane tyaga marg. दोनों के अधिपति भगवान ही है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे, या पितृलोकों के लिए जो श्राद्ध इत्यादि कर्म कराया जाता है। सो प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय। सो जो जीवन में धर्म और अधर्म दोनों का पूरी तरह से मुआयना करके जीव को जो भी भोग देने हैं वो देते रहते हैं, तो ये एजेंसी करने वाले कई लोग हैं। हम देखते हैं कि यमराज जी इज द प्लेसमेंट ऑफिसर ऑफ दिस यूनिवर्स, कौन सी जीव को कहाँ रखना है, और चित्रगुप्त तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो हरेक जीव का पूरा बही खाता चित्रगुप्त लिख रहे हैं। सो माई डियर लॉर्ड, प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाक। अधर्म इरिलीजन, विपाक, विपाक मीन्स उसका रिजल्ट। सो नमो अधर्म विप्राय विपाकाय मृत्युत्वे दुखदाय च।
आप ही हैं जो हर किसी को मृत्यु के घाट उतार करके दूसरों के जीवन में शोक लाते हैं। तो क्या मृत्यु को प्राप्त करना अच्छी चीज नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नहीं तो शरीर इतना बूढ़ा हो जाएगा, क्या करेंगे। हर कोई प्रार्थना कर रहा होगा बुढ़ा बुढ़ी चले जाए जल्दी, क्या ही है, मरती नहीं है, सुसुख शिशी मुझे निकालना पड़ रहा है, बेसिक ड्यूटी मुझे करनी पड़ रही है। सो मृत्युत्वे दुखदाय, मृत्यु के समय में जो दुख होता है व्यक्ति को शरीर छोड़ते हुए। मृत्यु के समय में जो उस व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़ता है, उसका भी आधार मैं ही हूं, या शिव जी कहते हैं भगवान आप हैं। सो हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सुर कहा जाता है। विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता आसुरश्चित विपर्ययः, विपर्ययः मीन्स ऑपोजिट। सो हम देखते हैं कि जो देवता गण हैं वो सब हालांकि अपनी अपनी इच्छाओं के, काम की वासना के कारण भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे, बिना ब्रह्मा जी के कुछ हो ही नहीं सकता श्वेत द्वीप पर। क्योंकि जब भी भगवान आते हैं देवताओं के सामने, वो सामने आते हैं, मतलब सामने आके डायरेक्ट हाय हेलो झप्पी मार लिया, ऐसा नहीं। भगवान विष्णु बहुत ही सीरियस है इस समय। सो हम देखते हैं कि एसेंशियली हर किसी को भक्त बनना अत्यंत आवश्यक है। सो विष्णु भक्त सुर आप्रोक्ता, उन्हें सुर कहा जाता है, और आसुरस्तद विपर्य, आसुर कौन है, जिनका सुर भगवान के सुर से मिलता नहीं है। मिले सुरो मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये जो भगवान के साथ नहीं कर सकता वो असुर है। तो उसकी गाड़ी, आप में से जो कोई भी कीर्तन करते होंगे या कीर्तनीय होंगे, वो जानते होंगे कि अच्छे गायन के साथ में बीट्स पर करताल और मृदंग कितने महत्वपूर्ण है। तो ऑफ बीट हो जाता है तो हर किसी का मूड ही खराब हो जाता है। सो हम देखते हैं कि एसेंसेस, वी बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हम भगवान के सेवक बने। इसीलिए इन दिस वर्ड द वर्ड दुखदाय इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर दोज हु आर नॉन डिवोटीज आर परपेचुअली पुट इन टू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो दुख भगवान आप ही देते हैं, मृत्यु भी भगवान आप ही देते हैं। सो कोई एम्बिग्यूटी नहीं कि कैसे हो रहा है मेरे जीवन में ऐसे सब, अरे कृष्ण चाहते हैं इसलिए हो रहा है सब। सो इन सुंदर श्रृंखलाओं की प्रार्थनाओं को हम जारी रखेंगे, हमारे साथ बने रहिए कल के भी भागवतम में। श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।